हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट में जो दो हेडिंग होती है ना, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये क्या होते हैं, मतलब एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, लाइबिलिटीज कितने टाइप की होती है, ये हमेशा एसेट और लाइबिलिटीज इक्वल क्यों होती है और ये हमेशा बैलेंस शीट टैली क्यों होनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। तो लेक्चर के एंड तक बने रहना बिकॉज आप इस लेक्चर के एंड तक आपको बैलेंस शीट का जो आइडिया है वो आपको पूरी तरह से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट कि यार ये बैलेंस शीट होती क्या है। देखो बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखती है, कुछ ऐसे दिखती है, आपकी कोई भी नॉर्मल कंपनी होती है ना उसकी बैलेंस शीट ऐसे दिखती है, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी, राइट साइड में एसेट, यहां लायबिलिटी यहां एसेट। अब ये एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं, देखो इनका टोटल जो है ना, टोटल जो है वो हमेशा इक्वल होता है, मतलब एसेट का टोटल हमेशा लायबिलिटीज के टोटल से इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं हो रहा था मतलब कहीं ना कहीं आपने पक्का गलती की है। चलो यहां तक क्लियर है, ओके। अब ये एसेट्स में देखो, देखो दो हेडिंग्स आ रही है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, और लायबिलिटीज में भी दो हेडिंग आ रही है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, और एक्सटर्नल लायबिलिटी में करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। सर ये क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कि आपने बता तो दिया इक्वल है, आप बताओ तो सही ये क्या है, एसेट्स क्या है, दो टाइप के एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, और बैलेंस शीट एक बना के भी दिखा दो। तो एंड में मैं आपको एक बैलेंस शीट आपके सामने बनाऊंगा और आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट कीजिए, भाई बैलेंस शीट बताती क्या है, बैलेंस शीट टेल की कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति है, संपत्ति समझते हो ना, एसेट्स क्या क्या है और किस किस को पैसा देना है। मतलब बैलेंस शीट बताती है कि आज मेरे पास क्या क्या है। अगर आप सपोज करो मेरे को पूछो कि सर आपके पास क्या क्या है, तो मैं बोलूंगा देखो मेरे पास एक घर है, मेरे पास लेट सपोज 2 लाख का घर है, मेरे पास एक गाड़ी है 1 लाख की, मेरे पास फर्नीचर पड़ा है 50,000 का, और क्या है सर, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है 10,000 की। तो ये है मेरा एसेट, जो मेरी संपत्ति है, जो मेरे से कोई नहीं छीन सकता, जो मेरा उस पर हक है। मैंने एक दोस्त को रुपए दिए थे 1,000 रुपए, अभी तक उसने वापिस नहीं किए, तो मुझे उससे रुपए वापिस लेने हैं, वो भी तो एसेट हुआ, जो मेरी चीज है। मैंने दोस्त को दिए हैं 1,000 रुपए, पर अल्टीमेटली मुझे उससे वो पैसे वापिस लेने 1,000 रुपए, तो वो भी मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया। तो फिर लायबिलिटीज क्या हुई, लायबिलिटीज वो होता है जो मुझे किसी को पैसे पे करने हैं। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ HDFC से लेट्स सपोज 2 लाख का, तो भाई साहब मुझे उनको वापस भी तो करना है, वो मुझे कुछ फ्री में तो नहीं पैसे दे रहे हैं, मुझे उनको वापस पैसे देने हैं। तो अगर मैं लोन लूंगा तो वो मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो बैलेंस शीट यही बताता है, आपका बही खाता बताता है भाई कि आपके पास क्या-क्या है और क्या-क्या आपको किसी को देना है। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। ये बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बैलेंस शीट अकाउंट है, नहीं, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अकाउंट कैसे होता है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, क्लियर है, ओके। बैलेंस शीट के दो हेडिंग होते हैं, लेफ्ट में लायबिलिटी, राइट में एसेट, ठीक है। तो बैलेंस शीट बताता है, पहले हम ये जान लेते हैं भाई साहब ये एसेट्स क्या होता है, ये दो तरह के जो एसेट्स लिखे हुए हैं ना इनका मतलब क्या है, चलो इनका मतलब जानते हैं। देखो एसेट का मतलब होता है संपत्ति, तो एसेट दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। सर अब ये किस चिड़िया का नाम है, करंट नॉन करंट, मैं आपको बताता हूं। पहले मैं डील करता हूं नॉन करंट एसेट, ये वो एसेट्स है जिसका मुझे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, या फिर या और लिखा हुआ है, या मैं उसको कन्वर्ट 1 साल के बाद कैश में करूंगा। समझ में नहीं आया सर, सुनो, मैंने एक लैंड लिया, मैं हूं एक बिजनेस, मैंने एक लैंड लिया 10 लाख का। अब एक बात बताओ, वो लैंड क्या मैं क्यों लिया, पर मैं उसको 2 साल 10 साल 50 साल बाद बेचूंगा, इसलिए लिया। तो ये मेरा एसेट तो है, तो क्या मैं उसको अगले 1 साल में बेचने वाला हूं, क्या मेरा इंटेंशन है, क्या इंटेंशन मेरा इंटेंशन क्या बोल रहा है, मेरा इंटेंशन बोल रहा है कि सर मैं इसको लॉन्ग टर्म एसेट है सर, तो उसको सर मैं 1 लाख में अभी मैं नहीं बेचूंगा, अगले 25 साल नहीं बेचने वाला, तो मेरा इंटेंशन है अगले 1 साल में उसको बेचना नहीं है, तो वो क्या हो गया, नॉन करंट। दूसरा ये है कि मुझे उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है,
क्या लैंड आज खरीदा कल खराब हो जाएगा? नहीं भैया, उसको बेनिफिट हजारों साल तक मिलता है। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग का बेनिफिट 20 साल तो कम से कम मिलेगा। मैंने कोई लैपटॉप खरीदा, 1 लाख रुपए का लैपटॉप लिया, क्या 1 साल में लैपटॉप खराब हो जाएगा? नहीं। तो वो क्या हो गया? वो मेरा एसेट हो गया जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलता है, या मैं उसको कैश में बाद में कन्वर्ट करूंगा। तो जो भी मैं बिल्डिंग लूंगा 4-5 साल तो चलाऊंगा, मैं लैंड लूंगा तो भी मैं चलाऊंगा 15-20 साल, जब तक मैं उसको बेचूंगा नहीं। मैंने लैपटॉप लिया, मैंने मशीनरी ली, मैंने फर्नीचर लिया, ये सब क्या होते हैं? नॉन करंट, बिकॉज इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, 1 साल से ज्यादा लाइफ है, या उनको मैं कन्वर्ट कैश में अभी अगले 1 साल में नहीं करना, 1 साल के बाद करना है, तो उसको मैं बोलता हूं नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट भी 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये क्या होते हैं सर? ये किस चीज का नाम है? टेंजिबल। टेंजिबल वो जो आप देख सकते हो, इनटेंजिबल वो जो आप देख नहीं सकते। देख नहीं सकते मतलब सर मिस्टर इंडिया है क्या? अरे नहीं भाई साहब, सुनो, टेंजिबल आप लैंड को देख सकते हो, हाँ ये लैंड है सर। आप फर्नीचर को देख सकते हो ना सर, फर्नीचर ये रहा। आप बिल्डिंग को देख सकते हो, हाँ सर बिल्डिंग। टच कर सकते हो? यस सर, टच कर सकता हूँ बिल्डिंग को। लैपटॉप को टच कर सकते हो? कर सकता हूँ। अच्छा चलो सर, ये इनटेंजिबल क्या हो गया? इनटेंजिबल वो हो गया जिसको आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। फील कर सकते हो सिर्फ, मतलब आपको टच नहीं कर सकते। सर ये क्या बात हो गई? सुनो, ये पेन है, मैंने कहा खरीद लो ये पेन, कोई ब्रांड नेम नहीं है। मैंने कहा 10 रुपए में खरीद लो, आपने कहा सर मैं नहीं खरीदता। मैंने कहा खरीद लो 10 रुपए में, नहीं खरीदता हूं क्योंकि इसमें नाम ही नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है यार 7 रुपए में खरीद लो, आपने झट से खरीद लिया। 7 रुपए में ये पेन खरीदने को आप तैयार हो, 10 रुपए में खरीदने को तैयार नहीं। मैंने कहा पेन खरीद लो, आपने कहा 7 रुपए, आपने कहा 7 रुपए, मैंने कहा चलो 7 रुपए में बेचो। अब यही पेन पे मैंने एक ब्रांड लगा दिया, ब्रांड लगा दिया, रेपुटेड कंपनी कैमलिन्स का लगा दिया, डॉम्स का लगा दिया, फैबर कैफ्टल का लगा दिया, नाम लगा दिया। अब आप बोलो मैं आपको बोलूं 10 रुपए में खरीदोगे, झट से खरीद लोगे। क्यों? आप तो 7 रुपए दे रहे थे इस पेन के, अभी 10 रुपए क्यों दे रहे हो? 3 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? नाम, गुडविल। गुडविल नाम का पैसा होता है भाई साहब, नाम का। बड़ी बड़ी कंपनी जो इतना एडवर्टाइजमेंट करी ना, नाम बनाने के लिए कर रही है। तो यहां पे मैं नाम बनाने के भी, जो मैंने नाम बनाया उसका भी तो पैसा है। तो एप्पल कंपनी है, वीवो कंपनी, इन सब नाम बनाने में इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए वो प्रीमियम चार्ज करती है। तो गुडविल भी मेरा एसेट है, मैं अपना नाम किसी को बेच सकता हूं। अगर आज सपोज करो मेरा नाम है कैमलिन लिमिटेड, तो मैं किसी दूसरे जो पेन बनाता है अच्छी क्वालिटी का, उसको अपना नाम बेच सकता हूं एट अ वैल्यू, प्रोवाइडेड मेरी परमिशन हो। तो नाम भी मेरा एसेट होता है। गुडविल हो गया, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है? मेरा इनटेंजिबल है, दिखता तो रही है। नाम को आप फील कर सकते हो, हाँ इसकी वैल्यू है, पर क्या वो आप उसको टच कर सकते हो? नहीं। अरे रैपर को टच करने को बात नहीं कर रहा हूं, लैंड एसेट को टच कर सकते हो, गुडविल को कोई टच तो नहीं कर सकता है। तो गुडविल क्या होगी? जो दिखती नहीं है। पेटेंट, जो मैंने फॉर्मूला बनाया उसका भी पैसा मेरे पास एसेट है। तो राइट्स है मेरे पास, टेलीकास्ट राइट है, आईपीएल के टेलीकास्ट राइट मेरे पास है, लेट सपोज, तो वो राइट है, तो वो क्या हो गया? इनटेंजिबल हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो टेंजिबल समझ में आ गया, जो दिखता है लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर, फर्नीचर, और इनटेंजिबल जो दिखता नहीं है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो मैं आपको बता चुका हूं, पेटेंट। क्लियर है? अब ये करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको मैं, जिसका बेनिफिट accrued less than 1 year, रुको, and for those intention is to convert, और लिखा हुआ है into cash in less than 1 year। सबसे पहले कैश, रोकड़ा, जेब में पैसा, वो क्या है? करंट एसेट है। क्यों सर? क्योंकि वो कैश में पहले से ही है। बैंक में जो पैसा है वो भी करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि उसको मैं, वो कैश ही तो है एक तरह से, वो सिर्फ बैंक में पड़ा है, एक सेफ्टी के लिए पड़ा है, तो कैश ही ना। ओके, डेटर, मैंने राहुल को ये पेन बेचा 1 लाख रुपए में, हजारों पेन उसे खरीद के ले गया, 1 लाख रुपए, उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, हाँ लेने हैं। तो सर वो आपका करंट आएगा, नॉन करंट आएगा? आप खुद ही सोचो, आप जब बिजनेस करोगे, धंधा करोगे, तो एक सिंपल सी मुझे बात बताओ, जब आप किसी को सामान बेचते हो तो पैसा आपको, आप चाहते हो ना अगले यार 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में आ जाए। आप किसी को सामान बेचोगे ये सोच के बेचोगे पैसा 2 साल बाद देना?
साल भर बाद देना, 5 साल बाद देना, नहीं। आप ये करोगे, आप बिजनेस तभी करोगे जब आपको सामान बेचोगे, अगले 2 दिन में पेमेंट कर लेना, 2 महीने चलेगा, अगले 12 महीने में तो पेमेंट आ जाएगा ना। तो ये डेटर जो होता है, मुझे पैसा लेना है लोगों से, वो मेरा क्या हो गया, करंट एसेट्स हो गया, क्योंकि मुझे उससे पैसा लेना है तो एसेट। अब ये नॉन करंट इसलिए नहीं, बिकॉज जो नॉर्मल मैं बिजनेस करता हूँ उससे जो पैसा आने वाला होता है, अगर मैं किसी को सामान बेचता हूँ तो वो मुझे अगले 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, इंटेंशन ना, माइंड में क्या है, माइंड में इंटेंशन है भैया 1 साल के अंदर आना चाहिए, उसको मैं बोलता हूं क्या, करंट एसेट। कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, मेरी दुकान पे बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा, मैं पेन बहुत सारे पड़े, लोग खरीद नहीं रहे, कोई नहीं, 10 दिन में खरीद लेंगे, अगले 6 महीने में खरीदेंगे। मैं ये तो नहीं सोचूंगा यार अगले 2 साल बाद बेचूंगा, नहीं, मेरा ये जो एसेट है अगले 2-3 महीने में निकल जाएगा, पेन निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा करंट एसेट हो गया, जो अगले 1 साल के अंदर मैं कैश में कन्वर्ट कर लूंगा, या मेरा इंटेंशन है उसको कैश में कन्वर्ट करने का। तो एग्जाम्पल दे दिया, कैश, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर हो गया, डेटर बता चुका हूं, स्टॉक हो गया, जो मेरा स्टॉक पड़ा मैं अल्टीमेटली उसको बेचूंगा, तो वो क्या हो गया, वो हो गया। तो अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एसेट्स बता दिया, नॉन करंट एसेट जो जिसका बेनिफिट एक साथ ज्यादा है, फिर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, अभी थोड़ी बेचूंगा यार, 2-3 साल 5 साल चलाऊंगा। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो मुझे अगले 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैं स्टॉक, मतलब जो मेरी जो मेरी जो दुकान पे माल पड़ा हुआ अगले 1 साल में बिक जाएगा यार, कैश तो है ही करंट, बैंक और डेटर, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो ये आपका 5 तो पूरा हुआ, राइट साइड में तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब फटाफट अपन लायबिलिटी समझते हैं। लायबिलिटीज, देनदारी, देखो कितना डूबा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है ये बंदा, देखो दबा हुआ है। तो इसको मैं बोलता हूं लायबिलिटी, जो जो मुझे किसी को पैसे पे करने हैं। लायबिलिटी मीन द अमाउंट ओन एंड पेबल बाय द बिजनेस टू अदर, किसी दूसरे को पेमेंट करना है, लायबिलिटी होती है। क्या होती है लायबिलिटी, देनदारी होती है। तो लायबिलिटी देखो यहां पे आ गया। अब देखो लायबिलिटीज में भी ना, देखो ये दो हेडिंग है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल, क्या है ये, क्या है सर, इंटरनल एक्सटर्नल दो में क्लासिफाई किया है। तो देखो लायबिलिटी को 2 में डिवाइड करूंगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सर ये इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दो सर। अरे बता रहा हूं ना, मेरे साथ बने रहो। इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, पहले मैं इंटरनल बता दूं। चलो, इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो मेरे बिजनेस के मालिक के प्रति होती है, जो मुझे, मैं हूं बिजनेस, अगर मुझे अपने मालिक को जो पैसा देना है वो इंटरनल है। अरे अगर मेरी कंपनी है, लेट्स सपोज मैं रिलायंस हूं, तो मुझे मेरे मालिक मुकेश अंबानी जी को जो भी पैसा देना है वो कैपिटल जाएगा, बिकॉज़ वो बिजनेस का मालिक है। इंफोसिस जिसको अपने मालिक नारायण मूर्ति को देना है, वो क्या है, कैपिटल है, इंटरनल बंदा है, बिजनेस का ओनर है, मालिक है। तो जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, उसको, उसके प्रति जो भी बिजनेस को पैसा देना है वो कैपिटल में जाएगा। वापिस समझा रहा हूं, अगर मैं बिजनेस हूं, मुकेश अंबानी जी ने मुझे 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए एज अ मालिक, तो अब मुझे मुकेश अंबानी जी को अगर कल बिजनेस बंद होता है तो मुझे उसको वापस करना है ना, तो वो क्या है, लायबिलिटी तो है, मुझे वापस तो करना है ना। 5 लाख मुझे दिए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, दिए धंधा करो, बिजनेस करो, पर मैंने कहा मैं 5 लाख रुपए अभी नहीं, मैं आपको जब बाद में दूंगा, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे उसको देना है, वो मेरा मालिक है ना। तो जो मालिक होता है, जिसका फायदा नुकसान है, कल बिजनेस को फायदा हुआ 1 करोड़ का, मालिक का है या किसका है, सर मालिक का है। बिजनेस को नुकसान हुआ 50 लाख का, किसका है, 50 लाख का नुकसान भी मालिक का है। तो जो भी फायदा नुकसान जिसको होता है वो उसको मैं मालिक बोलता हूं, तो उसको प्रति जो होता है वो उसको मैं बोलता हूं इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, पर ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, देखो एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 तरह की होती है, करंट एंड नॉन करंट एंड करंट। पर बताओ सर एक्सटर्नल होती क्या है, मालिक के अलावा जिसको भी पे करना है वो एक्सटर्नल, मालिक के अलावा जिसको भी पे करना है वो एक्सटर्नल। नहीं फिर बिल्कुल नहीं समझा, सुनो, मैंने एक बैंक से लोन लिया 2 लाख का, तो अब मुझे बताओ कि बैंक को मुझे जो पैसा देना है 2 लाख का वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो इंटरनल है एक्सटर्नल है। अरे भाई वो एक्सटर्नल है, क्यों, क्या बैंक मेरा बिजनेस का मालिक है, नहीं। आज अगर मेरे बिजनेस को 1 करोड़ रुपए का फायदा होगा, क्या मैं बैंक को 1 करोड़ रुपए दूंगा, नहीं, मालिक को दूंगा 1 करोड़। तो जो मुझे मालिक को देना होता है वो इंटरनल। फिर मुझे बैंक से 2 लाख रुपए उधार दिए, तो उससे तो सिर्फ मुझे उसको सिर्फ इंटरेस्ट देना, उससे और कोई मतलब नहीं, उसको इंटरेस्ट देना है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो मालिक के अलावा जिसको भी मुझे पैसा देना है वो मेरा एक्सटर्नल हो गया। मैंने पेन खरीदने के लिए इंक खरीदी,
इंक चाहिए मुझे, इंक मैं खुद नहीं, मैंने इंक खरीदी मुंबई से और मैंने कहा मैं पेमेंट देखो 10 दिन बाद दूंगा, तो 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए मेरी क्या हो गई जल्दी बताओ? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्योंकि वो मालिक नहीं है उस दुकान में खरीदा, 10 दिन बाद दूंगा तो एक्सटर्नल, तो इंटरनल मालिक को एक्सटर्नल दीजिए, और को मेरे बिजनेस में कोई सेल कोई एम्प्लॉई काम करता है, मेरे पास पैसे नहीं, इसको सैलरी नहीं दी, मैंने कहा 1 साल बाद दूंगा, कोई नहीं फर्क, वो क्या हो गई एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई, क्लियर है? इंटरनल मालिक को एक्सटर्नल दीजिए दोस्तों, एम्प्लॉय भी एक्सटर्नल होता है, एम्प्लॉय मालिक थोड़ी है, आप क्या रिलायंस में काम करोगे तो रिलायंस के मालिक बन जाओगे? नहीं, मालिक वो होता है जो उसके शेयर होल्डर होते हैं, क्लियर है? चलो ये समझ में आ गया। तो फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होती है? नॉन करेंट दो फर, ये एक्सटर्नल दो टाइप की होती है, करेंट एंड नॉन करेंट। पहले मैं नॉन करेंट में डील करता हूँ, एक्सटर्नल इंटरनल तो ये मालिक तो एक ही होता है, पर मालिक एक या दस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मालिक की लाइबिलिटी मालिक की है। पर एक्सटर्नल में दो को डिवाइड करूंगा, इंटरनल करेंट एंड नॉन करेंट। ये नॉन करेंट क्या होता है? नॉन करेंट वो लाइबिलिटी होती है जो मुझे 1 साल के बाद पे करनी है। अगर आज आप मुझे पूछो कि मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है, तो मैंने एक HDFC से लोन लिया 2 लाख का, और मैंने उसको बोला मैं 4 साल बाद पे करूंगा, मैं 4 साल बाद पे करूंगा, तो वो मेरी क्या हो गई? नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो मुझे 1 साल के बाद पे करना, आज से 12 महीने के बाद जो पेमेंट करना है वो होता है एक्सटर्नल। तो मैंने लोन लिया 2 लाख का, 2 लाख का लोन लिया, आज चल रहा है सपोज करो 31 मार्च 2022, तो अगर मुझे इसको पेमेंट कब करना है? मुझे पेमेंट करना है सपोज करो 31 मार्च 2025 को, तो भाई साहब मेरे लिए 2 लाख रुपए ये नॉन करंट हो गया, 1 साल के बाद करना है। एज ऑन डिफ डेट अगले 12 महीने पेमेंट करना है क्या? नहीं करना, जीरो पेमेंट। उसके बाद पेमेंट करना है? नहीं, उसके बाद सर आपको 3 साल बाद, 1 साल के बाद पेमेंट करना है, तो वो हो गई आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर 1 ईयर, इट इज कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा सर एक बात बताओ, सर ये लॉन्ग टर्म लोन हो गए, तो सर करंट लाइबिलिटी क्या हो गई? जो मुझे अगले 1 साल के अंदर पे करना है, 1 साल के अंदर पे करना है। सर एग्जांपल बताओ ना, मैंने HDFC से सपोज करो लोन लिया 2 लाख का, उसने कहा इंस्टॉलमेंट 20 इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट 20 इंस्टॉलमेंट EMI पे लिया, तो हर इंस्टॉलमेंट कितना 10,000। मैंने लोन कब लिया? 31 मार्च 2022 को, तो मुझे बताओ 10,000 रुपए हर महीने मुझे मेरी EMI आ रही है, हर महीने EMI मुझे गवर्नमेंट मुझे उसको HDFC को पे करनी है 10,000 रुपए। अब मुझे 10,000 रुपए अगले 12 महीने तक कितना पे करना है? 1,20,000 रुपए अगले 12 महीने तक कितना पे करना है? 1,20,000, और उसके बाद कितना पे करना है? 80,000। तो ये क्या हो गई? ये मेरी करंट लाइबिलिटी हो गई है जो मुझे अगले 12 महीने के अंदर पे करनी है, और 12 महीने के बाद जो पे करनी होती है नॉन करंट, मतलब वो 12 महीने का। तो 2 लाख का लोन लिया, 20 इंस्टॉलमेंट, 1 इंस्टॉलमेंट 10,000 की, मैंने कहा अगले 12 महीने तक कितना पे करना है मुझे आज की डेट पे, आज अगर मैं इस डेट पे बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो फिर मुझे अगले 12 महीने पेमेंट करना है 1,20,000। तो 1,20,000 रुपए नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई ना भैया, और तो करंट लाइबिलिटी क्या हो गई? सॉरी, 1,20,000 करंट लाइबिलिटी हो गई, तो फिर ये बाकी के 80,000 नॉन करंट, वो 1 साल के बाद पेमेंट करना है। समझ में आया? मैंने ये पेन के लिए कुछ सामान लिया, और उसका पेमेंट करंट आएगा नॉन करंट आएगा? अरे एक बात बताओ, किसी से आप सामान लेते हो तो पेमेंट 2 महीने 10 महीने 10 दिन 15 दिन में करोगे? ऐसा तो नहीं कि मैंने इंक खरीदूंगा देखो 2 साल बाद पेमेंट करूंगा, दिमाग भी तो लगाओ। द बिजनेस में क्रेडिटर हमेशा करंट होता है, क्योंकि आप उसको पेमेंट अगले 2-3 महीने में ही करोगे। तो व्हाट इज अ क्रेडिटर? आपका करंट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन जो आपने लिया, आपने कोई एम्प्लॉय को सेल रखा, उसको सैलरी नहीं दी बेचारे को, तो यार 2-3 महीने में दे दोगे, 2 साल बाद तो नहीं दोगे? ओके, तो इसको मैं बोलता हूं करंट लाइबिलिटी। समझ में आ गया? ओके, तो मैंने आपको सब बता दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आएगा आपको करने में। आपको देखो समझ में आ गया, पहले आपको यह समझ में आ गया इंटरनल जो मालिक को देने है, तो मुझे इस बैलेंस शीट देख के मुझे ये बताओ मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास लैंड बिल्डिंग और ये मेरा एसेट है, ये करंट एसेट्स है, ये मुझे मालिक को देने है जो अमित मेरा मालिक है, और मेरी लोन, मेरे 2 लोन है, 1 5 लाख का मुझे जो मेरे बैंक को 1 साल के बाद देना है, नॉन करंट 1 साल के बाद देना है, करंट जो मुझे 1 साल के अंदर देना है, मुझे 1 साल के अंदर। तो अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको मालूम रहेगा कि भाई साहब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट, इस कंपनी को अगले 1 साल में इतना पैसे की रिक्वायरमेंट आने वाली है, इसको देना है, और इसके पास ये है, ये फटाफट कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये फट कैश में कन्वर्ट हो चुके हैं, और ये मालिक को पैसा देना है। क्लियर है? चलो अगर ये क्लियर, तो एक फटाफट क्वेश्चन करो, अरे आपके सामने लाइव बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके चलो, लाइव बैलेंस शीट
शीट बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ रिलायबल पेन लिमिटेड। एक आप खुद अब आप अकाउंटेंट बन गए हो, अमित स्टार्टेड, तो मैं पहले बैलेंस शीट बनाता हूं। ये है मेरी बैलेंस शीट एज एट, कब की बात हो रही है, 22 की, ठीक है ना, ये 22 की बात हो रही है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो ये हो गया, दो हेडिंग होगी, एक होगी लाइबिलिटी, एक होगी लाइबिलिटीज और एक होगा एसेट, ठीक है ना। ये आएगा आपका रुपीस, ये आएगा आपका रुपीस, क्लियर है, नहीं क्लियर है, चलो यहां तक क्लियर है, लेफ्ट लाइबिलिटी राइट एसेट, ओके। चलो अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब देखो मैं ना, आप किसकी बैलेंस शीट बना रहे हो, आप बना रहे हो रिलायबल। बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, सारे मतलब बता रहा हूं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो ना अकाउंटिंग के एंगल से सोचते नहीं है। अब आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, मेरी कर रहे हो या किसकी कर रहे हो, आप अकाउंटिंग रिलायबल पेन की कर रहे हो, रिलायबल पेन की, तो रिलायबल पेन के एंगल से सोचना है, रिलायबल पेन के एंगल से सोचना है, बस आपको यह बात प्लीज ध्यान रखनी है, बस इसमें आपका आधी प्रॉब्लम, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको किसके एंगल से सोचना है, रिलायबल पेन। अब देखो आपको कितना ईजी हो जाएगा, अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल विद अ कैश ऑफ 6 लाख रुपए, तो मैं हूं रिलायबल पेन, मेरे पास कैश आया या गया, अरे अमित ने मेरे पास कैश लाया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया रिलायबल पेन 6 लाख रुपए, तो मेरे पास कैश आया, तो मेरे पास कैश आया, कैश कितना आया, सर 6 लाख रुपए आया, तो कैश तो मेरा एसेट है ना, मेरे पास पैसा एसेट है। अच्छा वो 6 लाख रुपए अल्टीमेटली मुझे अमित को वापस करने पड़ेंगे अगर बिजनेस कल बंद हुआ तो, या अगर वो वापस मांगे, बिजनेस एक अलग एंटिटी है पर उसके पैसे तो उसको वापस देने पड़ेंगे ना, तो वो बिजनेस, अगर आपको मैं हूँ रिलायबल पेन, अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, कल वो बिजनेस क्लोज करेगा तो रिलायबल पेन को वापस देने पड़ेंगे, हाँ देने पड़ेंगे, तो 6 लाख रुपए उसको वापस देने पड़ेंगे, किसको देने पड़ेंगे, ओनर को देने पड़ेंगे, और उसको मैं बोलता हूँ कैपिटल बोलता हूँ, ठीक है ना। और कैपिटल कहाँ पे आता है, मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है ना, आपकी इंटरनल है, मालिक है, क्लियर है। और कैश कहाँ आएगा, करंट नॉन करंट, अरे भैया बताया तो था मैंने आपको, करंट, जो मेरा कैश हमेशा करंट की होता है, बिकॉज कैश में कन्वर्ट हो चुका है, नॉन करंट वो होता है जो कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, एंड दूसरा उसको अगले एक साल में मुझे कन्वर्ट ही नहीं करना, तो कैश आ गया 6 लाख का, मैं हूँ बिजनेस, 6 लाख का बिजनेस, 6 लाख का एसेट और 6 लाख का, देखो बैलेंस शीट मैच हो रही है क्या, अरे सर गजब मैच हो रही है, अभी और अभी तो देखो, अभी तो मजा आने वाला आपको, सुनो बिजनेस ने परचेज की मशीनरी और 1 लाख इन कैश। बिजनेस चलाने के लिए मशीनरी तो चाहिए होगी ना, बिना मशीनरी के बिजनेस चालू हो जाएगा, 1 लाख की मशीनरी खरीदी, ओके। जैसी देखो मैं हूं बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड, मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, तो मेरा कैश 1 लाख से कम होगा या नहीं होगा, अरे सर कम होगा ना, तो मेरा कैश 1 लाख से, पहले 6 लाख रुपए था, हाँ अब मेरा कैश 1 लाख रुपए हो जाएगा, तो चलो भाई मेरा अब मेरा कैश कितना हो गया, सर मेरा कैश हो गया 5 लाख रुपए, सर कैसे, सर मैंने मशीनरी खरीद ली, उसको रोकड़ा दे दिया, तो मेरे पास कैश 1 लाख से कम हो गया, 5 लाख हो गया, वो 1 लाख कहाँ गए, हवा में गए क्या, नहीं मशीनरी आई ना मेरे पास, मशीनरी आई नहीं आई, हाई ना, मशीनरी कहाँ जाएगी, मेरे पास एक एसेट बन गया, मशीनरी एसेट बन गया 1 लाख रुपए, और इसको मैं बोलता हूं नॉन करेंट एसेट, क्या बोलूंगा, नॉन करेंट, क्योंकि मुझे मशीनरी अगले 1 साल में नहीं बेचनी है, उसकी लाइफ ही 2-3 साल 5 साल है, समझ में आया नहीं आया, कैश कन्वर्ट हुआ, कैश माइनस हुआ और मेरे पास मशीनरी आ गई है, बैलेंस शीट मैच हो रही है क्या, हाँ सर गजब मैच हो रही है, सर मैच हो रही है, 6 लाख हमेशा मैच होगी, मैच नहीं होगी तो कहीं ना कहीं गलती पक्का की है, ओके। चलो भाई समझ में आ गया, आपने कैश में मशीनरी खरीदी, चलो ठीक है भाई। दूसरा तीसरा, फिर आपने एक व्हीकल खरीदा 4 लाख का ऑन क्रेडिट, मारुति लिमिटेड से मैंने एक व्हीकल लिया 4 लाख का, एक गाड़ी भी चाहिए थी क्योंकि बिजनेस में ट्रक व्रक चाहिए होता है, मैंने मारुति से एक अच्छी सी कार या ट्रक खरीद लिया 4 लाख रुपए का, अब मैंने ऑन क्रेडिट लिया, क्रेडिट का मतलब है मारुति को भी पैसे नहीं दिए, तो बाद में दूंगा, पैसे नहीं दिए बाद में दूंगा, चलो अब मुझे बताओ, मैं इसको हटा रहा हूं, अब मुझे बताओ कि मैंने क्या खरीदी, एक व्हीकल, व्हीकल खरीदते ही वो मेरे नाम हो गई, वो मेरा एसेट हो गया, हाँ वो मेरा एसेट हो गया, हाँ सर, तो व्हीकल कितने की खरीदी, सर मैंने 4 लाख की व्हीकल ली ना सर,
ओके सर, 4 लाख की व्हीकल ले ली मैंने, एक गाड़ी खरीदी 4 लाख, वो मेरा एफर्ट हो गया, गाड़ी खरीदूंगा एफर्ट तो मेरा ही होगा ना 4 लाख। पर सर एक मिनट, आपने पैसे पे नहीं किए। अच्छा तो फिर बैलेंस शीट तो मैच नहीं होगी। बैलेंस शीट कैसे मैच होगी, कैश माइनस हुआ क्या? नहीं सर आपने कैश नहीं दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। तो अब मैं क्या करूं? ओके सर एक मिनट, आपको मारुति को पैसे देने या नहीं देने वापस? देने ना सर, क्यों नहीं दोगे आप मारुति को पैसे? तो अगर आपको मारुति को पैसे देने हैं तो आपको यहां पे नहीं लिखोगे मारुति को पैसे देने हैं, आपकी लाइबिलिटी हो गई है, तो आप क्या लिखोगे? मारुति को, मारुति लोन, मारुति लिमिटेड, मारुति लिमिटेड कितना दूंगा मैं दूंगा 4 लाख रुपए। कितने रुपए दूंगा मारुति को? 4 लाख रुपए। अच्छा बताओ मारुति क्या मेरा मालिक है क्या? क्या मेरा मालिक है क्या मारुति? नहीं, वो मेरा मालिक नहीं है, वो आउटसाइडर है। और जब आउटसाइडर होता है ना उसको मैं क्या बोलता हूँ? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्या बोलता हूँ? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब ये करंट है नॉन करंट है, मैं करंट मानता हूँ, चलो मैं क्या मान रहा हूँ इसको? करंट लाइबिलिटी, मुझे 1 साल के अंदर पे करनी है सपोज करो, तो ये करंट लाइबिलिटी हो गई। अब देखो मैं चोरी है क्या बैलेंस शीट? 6 + 4 = 10 लाख रुपए, 5 और 4 और 2 = 10 लाख रुपए। मैजिकली मैच हुई या नहीं हुई? कैसे मैच हुई? क्योंकि आपने कंसेप्ट अप्लाई किया, मैचिंग कंसेप्ट, जहां पे कुछ एसेट आएगा तो लाइबिलिटी आएगी या फिर डेबिट या क्रेडिट दोनों साथ होगा। आपने व्हीकल लिया 4 लाख का, पैसे कम नहीं हुए तो कोई नहीं, आपको मारुति को पे करना है लाइबिलिटी, और मारुति मेरा मालिक नहीं है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। करंट या नॉन करंट वो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में नहीं लिखा तो मैंने करंट मान लिया, 4 लाख में मुझे पे करना है, टोटल 10 लाख रुपए, बैलेंस शीट मैच हो गई। कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? तो यहां पे आप बैलेंस शीट, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया, अभी अपन एडवांस पे बाद में जाएंगे, बेसिक लग गया, आज सिर्फ एडवांस का ही टॉपिक था। अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब करो, जाते जाते सब्सक्राइब करो, मुझे अच्छा लगता है, मेहनत करते हैं आपको सब्सक्राइब करते हो अच्छा लगता है, एंड जस्ट लाइक जरूर करो, आपका 1 लाइक YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा, सो दैट्स द ओनली कंट्रीब्यूशन आई वांट फ्रॉम यू। आप बहुत सारी लव एंड ब्लेसिंग्स तो मुझे चाहिए चाहिए, तो 1 लाइक तो बनता है, एंड यस सब्सक्राइब जरूर करो, अकाउंट फंडा ऐप जरूर डाउनलोड करो, वहां पे मेरा 100% कोर्स अवेलेबल 11th एंड 12th का, हजारों बच्चों ने लिया हुआ है अक्रॉस वर्ल्ड, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आए हुए हैं बोर्ड्स के अंदर, तो वहां पे देख लेना, ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे नोट शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे भी मैं नोट शेयर करूंगा सारे, और ये भी नोट शेयर करूंगा, वहां पे एक्सपर्ट बनाऊंगा, एंड यस मेरे को आपका सिर्फ एक क्या चाहिए, लाइक सब्सक्राइब, एंड यस कमेंट जरूर करो आपको लेक्चर कैसा लगा, अपने दोस्तों को जरूर बताओ। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।